पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने रेखा पात्रा को उतारा तो नुसरतजहां ममता बनर्जी के होश उड़ गए। कौन है शक्ति स्वरूपा रेखा पात्रा जिसे बीजेपी ने बशीरहाट से दिया टिकट? एक तरफ बीजेपी ने बंगाल में 25 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया, वहीं बशीरहाट सीट से रेखा पात्रा को अपना उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया। बशीरहाट सीट से फिलहाल टीएमसी की नुसरतजहां सांसद हैं, लेकिन रेखा पात्रा के चुनावी दंगल में ताल ठोकने से नुसरतजहां की टेंशन बढ़ गई है। ममता बनर्जी ने इस बार नुसरतजहां का टिकट काटकर हाजी नूरुल इस्लाम को मैदान में उतारा है। रेखा पात्रा से खुद पीएम मोदी ने फोन पर बात की और उन्हें शक्ति स्वरूपा बताया। रेखा पात्रा की उम्मीदवारी से बंगाल में राजनीतिक भूचाल इसलिए आया क्योंकि रेखा ने ही संदेश खाली वाले मामले को एक आंदोलन बनाकर खड़ा किया, जहां तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गे बिना किसी डर भय के महिलाओं का शोषण करते थे। लोगों के बीच डर का ऐसा माहौल बनाया गया कि टीएमसी नेता के खिलाफ बोलना तक अपराध था। इस डर के साए के बीच रेखा पात्रा ने हिम्मत दिखाई और संदेश खाली की महिलाओं की आवाज बनकर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के लिए मोर्चा खोल दिया। रेखा ने ही पहली बार शाहजहां शेख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी और उनकी बहादुरी की वजह से आज शाहजहां सीबीआई की हिरासत में और मामले से जुड़े 14 लोग सलाखों के पीछे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि संदेश खाली के लोगों ने रेखा पात्रा को प्रत्याशी बनाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से गुहार लगाई थी और इसी कारण बीजेपी ने एक गरीब महिला को अपना पार्टी का चेहरा बनाया। पीएम मोदी के बंगाल दौरे के समय रेखा पात्रा उन 5 महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। बीजेपी के रेखा को उम्मीदवार बनाए जाने से संदेश खाली में खुशी का माहौल है, खासकर महिलाओं में भरोसा बढ़ा है। इसी तरह बीजेपी ने बंगाल में ये संदेश भी दिया है कि वो महिलाओं के साथ खड़ी है। बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद रेखा ने कहा कि वो संदेश खाली की पीड़ित माँ और बहनों के साथ खड़ी होना चाहती हैं, उनकी बात आगे रखना चाहती हैं। बशीरहाट में ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बीजेपी के इस ऐलान के बाद से रेखा पात्रा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी बंगाल में 2019 से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि एक तरफ भ्रष्टाचार के मामलों ने ममता बनर्जी सरकार पर सवालिया निशान लगाए, वहीं संदेश खाली केस ने ममता बनर्जी की महिला विरोधी मानसिकता का खुलासा कर दिया। संदेश खाली के मुद्दे को न केवल टीएमसी बल्कि कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियों की भी मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि सैकड़ों महिलाओं के शोषण पर इनमें से किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया। एक गठबंधन का धर्म निभाने के चक्कर में इंडिया अलायंस ने अधर्म का साथ दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने बशीरहाट से रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाकर बता दिया कि संदेश खाली का मुद्दा बीजेपी के लिए राजनीतिक नहीं बल्कि महिलाओं को न्याय दिलाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।